अस्सलाम वालेकुम गाइस, बुकर का बल आपका स्वागत करता है। हेलो गाइस, आज हम गजेबो ढाबा आए हैं जो कि तलोजा में है, पनवेल मुमरा रोड पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पार्किंग की जगह भी अवेलेबल है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आपसे कि अगर आप लोग जल्दी आते हैं यहाँ पे तो आपको पार्किंग की अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, अदरवाइज अगर आप लेट होते हैं तो फिर पार्किंग यहाँ पर फुल हो जाता है और काफ़ी आगे गाड़ी लगानी पड़ेगी आपको। हेलो गाइस, अब हम गजेबो में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे अभी नमाज हो रही थी इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए थे कुछ देर के लिए। देखते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। ठीक है, शायद यही है। काफ़ी बड़ा और एकदम ही शानदार है ये एंट्रेंस। ये काफ़ी खूबसूरत रिसेप्शन एरिया है गजेबो का। एंट्रेंस पे आपको राइट हैंड साइड पे ये रिसेप्शन काउंटर दिखेगा। यहाँ पर आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि हम कितने लोग आएँ, तो उस हिसाब से ये लोग अरेंजमेंट करके आपको आपके हिसाब से टेबल वगैरह और जो टाइमिंग स्लॉट्स है वो बताते हैं। आपको एक बात बताऊंगा कि सैटरडे और संडे मीन्स वीकेंड में यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट होता है कि आपको 1 आवर और 2 आवर्स जैसी मीन्स क्राउड होगा वो हिसाब से आप लोगों को ये टाइम स्लॉट देंगे। उतने देर में आपको यहाँ पे जल्द से जल्द आपका जो भी डिनर है वो ख़त्म करना होता है। ये यहाँ पे छोटे छोटे टेंट जैसा बैठने के लिए बना हुआ है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, देख के ही खुशी हो रही है एकदम से। काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे आने, लेकिन आज फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। तो देखते हैं ऊपर का क्या अरेंजमेंट है, कैसा है यहाँ पर। तो नीचे का तो देख लिया हम लोगों ने, ऊपर देखते हैं, शायद ऊपर से और भी अच्छा व्यू लगेगा। ओके, ऊपर का है। ओके, तो ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का है। और अब हम सेंटर में अगर बैठ के देखें तो ये दिखेगा। ओके, तो इसका मतलब है फाउंटेन भी है क्या? ओहो, नाइस। तो ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली फीलिंग है, तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे। नीचे जो दिख रहा है वहाँ पे कहीं बैठते हैं। चलो देखो, यहाँ पे कुछ गोला और पान, तंदूरी चाय। ओके, तो ये एंट्रेंस था, यहाँ से सीधा आए पान बाजार। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। पान ऑफ हैप्पीनेस। मज़ा आएगा यहाँ पे बैठ के खाना खाने में। बाकी लाइक ये बड़े ग्रुप के लिए है। और यहाँ से बीच में ये फाउंटेन है जो अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होगा तब देखेंगे किस तरह दिखता है ये। ओके, तो बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है। वाह, का स्टॉल है। तो ये कुछ अलग दिख रहा है, अच्छा है। हाँ, क्या बोल रहे हो, इसमें जाना है? नहीं यार, ये प्रॉपर एकदम रेस्टोरेंट हो जाएगा, एकदम प्रॉपर रेस्टोरेंट में नहीं जाना हम लोगों को, तो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा है, बट जाना प्रेफर नहीं है हम लोग। ये मेरे पीछे है डेजर्ट का सेक्शन, और ये ऐसा लग रहा है हम लोग शादी में आए, पीछे का जो सेक्शन है, बट हम लोग कोई टेंट वाले इसमें बैठेंगे। वाह, बहुत ही अच्छी जगह। अच्छा,
अभी खाने का ऑर्डर करेंगे, तब बाकी वीडियो में आप लोगों से शेयर करता हूँ। फिलहाल के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ढाबे पे जाकर चना पापड़ खाना तो मस्ट है, बनता ही है वो। तो फाइनली अब हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है, और इस ऑर्डर का नाम है कादर खान प्लेटर। और मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाऊंगा करीब से कि क्या क्या है इसमें। इसमें 6 अलग अलग टाइप के स्टार्टर्स हैं, और राइस है इसमें, सीख रोल है, और चिकन के बहुत सारे आइटम है। देख के एकदम मुँह में पानी आ रहा है। तो अगर आप गजेबो विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गेमिंग जोन है आप ज़रूर वहाँ पे आएँ, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स अवेलेबल है। इसमें से हम लोगों ने एयर हॉकी खेला था, बहुत ही मज़ा है यहाँ पे खेल के, और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, एकदम रिजनेबल प्राइस है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी ढाबे पर जाएँ, किसी भी ढाबे पर, तो वहाँ पर सीजनल क्रीम अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर आप विंटर सीज़न में जा रहे हैं तो सीताफल क्रीम मिलेगा, अगर आप समर सीज़न में जा रहे हैं तो मैंगो क्रीम मिलेगा। आप ज़रूर ज़रूर उसे ट्राई करें, बहुत ही मस्त होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। गजेबो का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।